मांगे पूरी न होने के चलते अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से खफा हैं। इसी के चलते अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार हड़ताल पर चले गए हैं। जिला स्तरीय अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ के बैनर तले मंडी शहर के शहरी मंच पर हड़ताल पर बैठे संघ के इन कार्यकर्ताओं ने शहरी मंच पर जोरदार प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने के चलते अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से खफा हैं। इसी के चलते अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार हड़ताल पर चले गए हैं। जिला स्तरीय अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ के बैनर तले मंडी शहर के शहरी मंच पर हड़ताल पर बैठे संघ के इन कार्यकर्ताओं ने शहरी मंच पर जोरदार प्रदर्शन किया। जलवाहकों का आरोप है कि प्रदेश सरकार जलवाहक कम सेवादारों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, जिसके चलते संघ को हड़ताल जैसा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा है। संघ ने सरकार के 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जलवाहकों को पक्का करने या फिर खाली पद न होने पर दूसरे विभागों में समायोजित करने, 5 साल पूरा करने पर डेली वेज करने तथा सेवानिवृत्ति की समय अवधि 60 वर्ष करने की मांग की है। संघ के प्रधान भुट्टू राम ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संघ की मांगों को शीघ्र नहीं माना गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। इस अवसर पर संघ के महासचिव जय कुमार तथा उप प्रधान जयवंती सहित संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज सभी को परिचिति है कि जो आज हमारा अनशन जिला मंडी में शुरू होने जा रहा है, इस अनशन में यही एक बात आ रही है, सरकार से बार बार मिलने के उपरांत आज संघ को एक शासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। जलवाहकों के साथ एक सौतेला व्यवहार होता चला जा रहा है। जलवाहक एक पार्ट टाइम के रूप में 6-6 घंटे 8-8 घंटे स्कूलों में ड्यूटी दे रहा है, फिर भी सरकार के जलवाहकों के साथ एक बहुत ही एक अन्याय होता चला जा रहा है। आज जो अनशन जिला मंडी में हमने शुरू किया है, इसके लिए सरकार के समक्ष यही मांग हमने रखी है कि 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जलवाहकों को नियमित किया जाए और अंशकालीन जलवाहकों को 5 साल के बाद डेली वेजर बनाया जाए और 3 साल में रेगुलर किया जाए, क्योंकि 2400 रुपये में अपना परिवार का पालन पोषण करते चले जा रहे हैं। तो सरकार से दूसरी जो सरकार की समस्या, विभाग की समस्या आ रही है कि शिक्षा विभाग में खाली पद नहीं है। सरकार ने 14 वर्ष का वनवास इस वर्ग को दिया गया है, हम उस वर्ग को उस वनवास को सरकार से मांग करते इस वनवास को हमें हटा दिया जाए और 10 वर्ष में रेगुलर किया जाए बिना शर्त से, उसमें कोई शर्त न रखी जाए। अगर शिक्षा विभाग में खाली पद सेवादार के नहीं है तो हमें अन्य विभाग जाने के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों के ऊपर गौर करे। जय हिंद, जय जलवाग।